हेलो दोस्तों, आज आपको मैं सोनालिका 745 ट्रैक्टर के डैशबोर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये जो डैशबोर्ड में होने वाले मीटर्स जो होते हैं ना, इसमें पांच आपको मीटर्स दिखाई दिए होंगे। ये जो पांच मीटर्स होते हैं, ये किन किन चीज़ों के लिए होते हैं और इसमें क्या क्या दर्शाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। ये जो आपको सेंटर वाला मीटर दिख रहा है, ये RPM मीटर है। RPM मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट। एक घंटे में, एक मिनट में जो होने वाले फेरे होते हैं, ये इसमें दिखाई जाते हैं। जैसे 5 की रेस पे 500, 10 की रेस पे 1000, 15 की रेस पे 1500, 20 की इस पे 2000, ठीक है ना, 25 पे 2500। ये जो होते हैं RPM होते हैं, मतलब ट्रैक्टर की जो इंजन की गति है वो इसमें दर्शाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो चौकोन बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें जो है हावर्स दिखाए जाते हैं। हावर्स मतलब जो भी ट्रैक्टर चलने के बाद उसके जो घंटे होते हैं, हम बोलते हैं हावर्स, तो जो जितना दिन में चलेगा उतने हावर्स और टोटल हावर्स भी उसमें ही बताए जाते हैं। उसके बाद में जो एक मीटर दिख रहा है, ये टेम्परेचर मीटर है। ये टेम्परेचर मीटर का जो टेम्परेचर है, ट्रैक्टर अपना जो इंजन है कितना हीट आ रहा है, वो इंजन इसमें दिखा देता है। अगर ये बीच में जाता है काटा है, तो ठीक है, मतलब वो इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है बीच में से, लेकिन नीचे ही रहना चाहिए। अगर के वो जो हीट वाला टेम्परेचर वाला मीटर ओवर हीट में जाता है, रेड में जाता है, तो उस टाइम में अपने को ट्रैक्टर को बंद करके रखने का है या आइडल स्पीड पे चालू करके रखने का है, मतलब ट्रैक्टर ओवर हीट आ गया है ये दर्शाता है। तो जनरली वो रेड जोन में जाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो ये मीटर दिख रहा है, ये बैटरी का मीटर है। मतलब बैटरी एक्यूरेट चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें वो मीटर में दिखाई जाती है, ठीक है। और ये जो मीटर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मीटर है, ये ऑयल प्रेशर मीटर है। ऑयल प्रेशर मीटर बोले तो इंजन में जो भी इंजन चालू करने के बाद में जो भी ऑयल इसमें सर्कुलेट हो रहा है, प्रॉपरली सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ये मीटर में दर्शाई जाती है। मतलब ऑयल का जो प्रेशर होता है ना, ये ऑयल प्रेशर टी के द्वारा ये मीटर में कनेक्शन सप्लाई करने के बाद जो भी ऑयल प्रेशर घूम रहा है, वो सारी ऑयल प्रेशर की चीज़ें ये मीटर में दिखाई जाती है। ये ज़्यादातर ये जो काटा होता है ना इधर की, मतलब हाई प्रेशर की तरफ होना चाहिए, रेड में नहीं होना चाहिए। अगर ये काटा रेड में रहता है अपना, तो अपना ऑयल प्रेशर जो है इंजन का प्रॉपरली हो नहीं रहा है। उसके बाद में ये जो मीटर दिख रहा है, ये डीजल मीटर है। अपने टैंक में जितना भी डीजल है, समझ लो हम लीटर के हिसाब से डालते हैं, तो जितना लीटर होता है ये इसमें उतना ही दर्शाता है। अगर ये काटा रेड पे रहता है, तो वो जो है डीजल टैंक में डीजल बहुत कम दर्शाता है। अगर इधर आता है तो ये फुल है। और ये जो दिख रहा है आपको सिंबल, ये 50% का सिंबल है, मतलब इसमें आधा टैंक डीजल है ये दर्शाता है। तो इस प्रकार से सोनालिका 745 ट्रैक्टर का डैशबोर्ड की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।